सोना आपकी सुरक्षा भी रहेगा, उस पर कमाई भी होगी और देश में वो बचत समाज के लिए काम में भी आएगी। केन्द्र मोदी सरकार को गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम बा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना एमती एक परिकल्पना जहाद्वारा सुना रखिता व्यक्तिशेष बा संस्था एवं देशर अर्थनीति उभय पक्षों पर लाभदायक से 2015 मसीह नवेम्बर 5 तारीख में ठीक दीपावली उत्सव अव्यवहित पूर्व यह लंच कर दीपावली हूँ माँ धनलक्ष्मी पर्व तेणु देशर लोकने किपर यह योजना मध्यम आर्थिक लाभ से लाभान्वित हो पारे ताला केन्द्र सरकार लक्ष्य। हमारा जो ये जमा जमा है ऐसे ही गोल्ड पड़ा हुआ है, बैंक में आएगा और लंबे समय के लिए आएगा तो ज्वेलरी के लिए चला जाएगा। ज्वेलरी के लिए चला जाएगा तो मैं मानता हूं कि ज्वेलरी क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार से गोल्ड सरलता से मिलेगा, उनके सामने कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। एक ज्वेलरी के बिजनेस के वालों के लिए बैंक से डायरेक्ट रिक्वायरमेंट के अनुसार गोल्ड मिल जाना, लोकली मिल जाना, ये अपने आप में हमारे ज्वेलरी के प्रमोशन के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। तेबे एही योजना पाखरे बा बैंक रे सुना रखिथिबा लोक बा संस्थार आवश्यकता नै विभिन्न प्रकार नीति नियम रखा जाय छे। किछि व्यक्ति एपरि अछंती जे माने 5 बा कम वर्ष पई घरे किबा बैंक रे सुना रखिथांती एवं परे सेमानंकु तहा आवश्यक होइथाय। किछि व्यक्ति एमिति अछंती जे माने 10-15 पई सुना रखिथांती एवं तापरे झियो बाहाघर बा अन्य काम पई सेमानंकर तहा आवश्यक होइथाय। लोकमानंकर सही समय अवधिर आवश्यकता को दृष्टि रे रखि अलग अलग कैटेगोरी रही छि एवं सेथिपई एही योजना रे सुध दर मध्य अलग रही छि, जेमेति कि शॉर्ट टर्म बा स्वल्प अवधि, मीडियम टर्म बा मध्यम अवधि एवं लॉन्ग टर्म बा दीर्घ अवधि। स्वल्प अवधि रे जणे 1 वर्ष रु 3 वर्ष जाय, मध्यम अवधि रे 3 रु 5 वर्ष एवं दीर्घ अवधि बा म्याद पई अर्थात 12 रु 15 वर्ष जाय जणे सुना एही योजना रे रखि परिबे। एथिपाई लॉकिंग पीरियड मध्य निर्धारण करा जाय छे। स्वल्प अवधि पई ई पीरियड 1 वर्ष होइथिबा बेले मध्यम अवधि पई 3 वर्ष एवं दीर्घ अवधि पई एहा 5 वर्ष। लॉकिंग पीरियड समय अवधि अनुसारे अति कम रे जणकु एही समय सीमा जाए निज सुनाकु योजना माध्यम रे बैंक रे रखिबाकु पड़िबो। सेही अनुसारे सुध दर मध्य निर्धारित होइछे। स्वल्प अवधि स्कीम रे जणे शामिल हिले केते सुध मिलिबो ताहा डिपोजिट समय रे सुनार मान देखि संप्रुक्त बैंक निर्धारण करिथाय। एबरिकि भिन्न भिन्न बैंक भिन्न भिन्न सुध दर निर्धारण करि पारंती। सुनार मान बा सुधता जांच रो व्यवस्था संप्रुक्त बैंक को करिबाकु पड़िथाय। बैंक जरिया रे सुना को नै सरकार बजार आवश्यकता अनुसारे परिवर्तित करंती। ए योजना रे देशर आंचलिक ग्राम्य बैंक गुडी को छाड़ी समस्त शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक शामिल होई परिबे। एथिपई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्देशावली 2015 को मानिबाकु पड़िबो। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम वाज आल्सो अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट टुडे। ये जिन लोगों के पास गोल्ड एक आइडल एसेट के रूप में पड़ा है, केवल व्यर्थ रूप में पड़ा है, वो ऑथराइज्ड बैंक्स के पास इसको डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके डिपॉजिट का भी टेन्योर होगा, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, उसकी डिटेल्स आपको दे दिए जाएंगे। मध्यम अवधि स्कीम रे वार्षिक 2.25% एवं 2.50% वार्षिक सुध मिलिबार व्यवस्था रही छि। यार अर्थ जते अधिक वर्ष सुना रहिबो सेते अधिक सुध मिलिबार ग्यारंटी। तेबे जणे चाहिले निजर जरूरी आवश्यकता अनुसारे धार्य अवधि पूर्वरु मध्य जमा थिबा सुना को बाहर करि पारिबे। मात्र एथिपई पेनाल्टी बा ओलटा बैंक बा सरकारंकु स्थिरीकृत अर्थ पैठ करिबाकु पड़िबो एवं केवल मध्यम और दीर्घ अवधि स्कीम पई एही सुविधा रही छे। एपरिकि अवधि पूरा हेबा परे जणे ग्राहक चाहिले पुणी योजनारी पूर्व सुना को जमा करि लाभ पाई पारिबे। एही योजना रे हिताधिकारी बा योजना रे शामिल ग्राहकों को सुध मिलिबा सह कैपिटल गेन्स टिकस रु छाड़ पाइबार मध्य सुविधा रही छे। जदि आपनको हमो वीडियो टी भलो लागिला तेबे हमो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी भूलंतु नहीं।